हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम कुकिंग पर। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मटर पनीर विद जीरा राइस। आज हम चावल कुकर में बनाएंगे। अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे और कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं। आप एक बार मेरी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए पहले हम मटर पनीर बनाएंगे। मटर पनीर बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक कटोरी मटर, एक कटोरी पनीर, चार टमाटर रफली कटे हुए, चार से पांच काजू, तीन प्याज लिए हैं काटकर और सात से आठ बादाम, एक प्याज बारीक कटा हुआ, पांच से छह लहसुन की कलियां, एक इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और एक टमाटर बारीक कटा। मसालों में हमें ज़रूरत होगी नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटी कटोरी मलाई, तेल, आधे चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच जीरा और थोड़ा सा कटा हरा धनिया लिया। अब एक कढ़ाई ले, कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने दें, उसमें तीन चम्मच तेल डालें। आप तेल की जगह बटर भी ले सकते हैं। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो उसमें जीरा डालकर उसे हल्का सा फ्राई करें। हमें जीरा को ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा फ्राई करना है। देखिए जैसे जीरा हल्का सा ऐसे चटकने लगे उसमें अदरक और लहसुन डालकर उन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लें। जैसे ही अदरक और लहसुन हल्के से फ्राई हो उसमें हमें कटा हुआ प्याज डालना है। प्याज को हमें एक मिनट तक भूनना है। जैसे ही प्याज हल्के से फ्राई हो जाए उसमें हम हरी मिर्च, कटे हुए टमाटर, काजू और बादाम डाल देंगे। इसी के साथ मैं इन्हें पकाने के लिए यहाँ पर आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करें। नमक डालने से हमारे जो टमाटर है वो जल्दी पकेंगे। अब इन्हें ढककर हमें 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जब तक हमारे टमाटर और प्याज पक रहे हैं तब तक हम मटर को उबाल लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेश मटर लिए हैं। अगर आप फ्रोजन मटर लेते हैं तो उन्हें उबालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, पानी में थोड़ा सा नमक डालें और मटर को उबालें। इन्हें उबालने के लिए हमें 10 मिनट का टाइम लगेगा मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए हमारे जो टमाटर प्याज है वो भी पक गए हैं। एक बार इन्हें अच्छे से चला लें और चलाकर देखें कि टमाटर का छिलका उससे अलग हो रहा है। देखिए जो हमारे टमाटर का छिलका वो कैसे अच्छे से अलग हो गए और प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गए। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हमारे टमाटर और प्याज ठंडे हो गए। अब हमें इसे जार में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। मैं इन्हें पीसने के लिए यहाँ पर थोड़ा से पानी का इस्तेमाल करूँगी, लगभग एक चौथाई ग्लास। देखिए चलिए अब इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करते हैं। मैंने सेम कढ़ाई लिया, उसमें वापस मैं तीन चम्मच तेल डालकर गरम कर रही हूँ। जैसे तेल हल्का सा गरम हो जाए उसमें कसूरी मेथी डालकर उनको फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी कसूरी मेथी है वो जल जाएगी। अब उसमें बारीक कटा प्याज डालकर इन्हें भून लें। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से भुन गए हैं।
अब इसमें हमें कटे हुए टमाटर डालने हैं। इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए अब इसमें हम अपने बचे मसाले डाल देते हैं। हल्दी, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे हमारी सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। और धनिया पाउडर, इन्हें डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इन्हें पकाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँ कि ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ही, जिससे हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। अब हमें इन्हें ढककर अच्छे से पकाना है। इन्हें पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब हमने जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दें। उसी के साथ मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, करीब 1 गिलास। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। आप पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए अभी हमें थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं इसे पतला करने के लिए यहाँ पर 1/2 गिलास पानी का इस्तेमाल और करूँगी। अब इन्हें एक बार अच्छे से मिला लें। अब हमने जो मटर को बॉईल किया था वो इसमें डालकर इन्हें अच्छे से पकाना है। अब इन्हें ढककर मीडियम फ्लेम पर हमें 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट बाद आप इन्हें एक बार चलाकर देखें अच्छे से। हमारे जो ग्रेवी है वो लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मलाई डालेंगे। आप मलाई की जगह फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद हमें इसे वापस ढककर पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम को आप मीडियम ही रखें। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो लगभग तैयार हो गई है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। अब हमारी जो ग्रेवी है पहले से गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें हम कटा हुआ पनीर डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें हमें, जिससे पनीर जो है वो मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हमें वापस 1 मिनट के लिए पकाना है। हमें अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो जो हमारा पनीर है वो टाइट हो जाएगा। ये देखिए बस 1 मिनट के बाद हमारी जो मटर पनीर की सब्जी है वो तैयार है। यहाँ पर आप फ्लेम को बंद करें और इसे हल्का सा ठंडा होने दें ऐसे। चलिए तब तक हम चावल बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। इन्हें हमें 1/2 घंटे के लिए भिगोना है। 1 तेज़पत्ता, 2 लहसुन की कलियाँ पीस से कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कटा हरा धनिया। मैंने यहाँ पर चावल को धोकर 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमने यहाँ पर एक कुकर लिया है, कुकर में घी डालें। घी को गर्म होने दें। जैसे घी गर्म हो जाए इसमें तेज पत्ता, देखिए हमारा तेज पत्ता हल्का सा फ्राई हो गया। अब उसमें जीरा, हमें जीरा को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं तो जीरा हमारा जल जाएगा। अब इसमें लहसुन, लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप बिना लहसुन के भी इसे बना सकते हैं। चावल, चावल डालकर हमें इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ऐसे। अब मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी ले, हमने जितना चावल लिया है उसका 1.5 गुना हमें पानी लेना है और उन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब इन्हें पकाने के लिए मैं यहाँ पर एक चुटकी नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, और इन्हें एक बार वापस अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। फ्लेम को आप मीडियम रखें। हमें इसकी गैस नहीं निकालनी है, इसको जब तक इसकी गैस अपने आप ना निकल जाए इसको खोले मत। अब चले देखें, हम आपको खोल कर दिखाते हैं कितने अच्छे बने हैं, एकदम खिले खिले चावल। अगर आप ऐसे कुकर में चावल बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करें, और ये जो हमारा मटर पनीर की सब्जी थी वो डालें, क्योंकि लग रहे ना एकदम ढाबा स्टाइल परफेक्ट मटर पनीर और जीरा राइस। अगर आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके बताएगा ज़रूर।